वेलकम टू द लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स, और मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ लेक्चर नंबर 17 ऑफ इंडियन पीनल कोड. स्टूडेंट्स, ये आपके लिए रेलेवेंट रहने वाला है अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट है, अपने प्रीलिम्स या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लैट एस्पिरेंट है तो भी आपको लीगल नॉलेज होना, लीगल एप्टीट्यूड आपका होना बहुत जरूरी है. अगर आप एक LLB स्टूडेंट है और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत रेलेवेंट रहने वाला है. तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे सेशंस देखे हो तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, मेंस रिया, एक्टस रिया पढ़ाया है. चैप्टर नंबर 1 कराया है जहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ IPC की बात करते हैं. देन वी ऑल्सो डेल्ट विद जनरल वर्ड्स एंड स्पेशल वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड इन दिस कोड. वी हैव ऑल्सो डेल्ट विद चैप्टर नंबर 3 विच डील्स विद पनिशमेंट, चैप्टर नंबर 4 विच डील्स विद जनरल एक्सेप्शंस, कि अगर आपने कोई ऑफेंस कर दिया है और आप बोलोगे कि जी मेरे ऊपर तो पनिशमेंट नहीं लगनी चाहिए बिकॉज आई एम कवर्ड अंडर जनरल एक्सेप्शंस, वो चैप्टर हम कर चुके हैं. और पिछले दो लेक्चर्स में मैंने आपके साथ किया चैप्टर नंबर 5 ऑफ द इंडियन पीनल कोड जो डील करता है अबेटमेंट. आज जो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज बहुत सारी हमारी हिंदी मूवीज में भी ये कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं. तो प्लीज आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं. हम डील करेंगे कॉन्स्पिरेसी, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्पिरेसी, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो कि सेक्शन 120A में दी गई है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कॉमन इंटेंशन जो कि 120A में है और सेक्शन 34 में है उसमें क्या डिफरेंस है, नॉलेज ऑफ कॉन्स्पिरेसी होना जरूरी है, कॉन्स्पिरेसी अपने आप में एक कंटिन्यू ऑफेंस है, सेक्शन 120B बात करेगा पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, एंड देन हम डील करेंगे बहुत सारी जजमेंट्स ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो बहुत ही रेलिवेंट है और इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. देन वी विल डील विद सेक्शन 107 सब क्लॉज 2 एंड सेक्शन 120A. तो 107 सब क्लॉज 2 हम अबेटमेंट में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अपने कॉलेज में पढ़ा है या फिर आप लोगों ने मेरे साथ भी पढ़ा है तो आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है. देन वी विल सी हाउ विल यू प्रूव क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्या एक सिंगल पर्सन को आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट विद कॉन्स्पिरेसी, एक चीज जो समझने की है कि आप लॉ स्टूडेंट के अलावा अगर आप एक लेमैन भी है तब भी आप एक चीज समझे कि अगर हम बोलते हैं कि इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके किसी का मर्डर कर दिया तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, मिली भगत करके दो लोगों ने कोई इलीगल ऑफेंस कर दिया, कोई इलीगल एक्ट कर दिया, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, दो लोगों की मिली भगत थी. और एक चीज और जो ध्यान रखनी है कि एक सिंगल बंदे को आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते हो, एक सिंगल पर्सन को नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सबसे पहली बात ही ये है कि दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिली भगत करी और कोई एक इलीगल एक्ट करा. तो अब समझते हैं कि चैप्टर नंबर 5A जो डील करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कॉन्सेप्ट को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर 5A डील करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, क्योंकि ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है. तो PT वालों अपना ध्यान रखो इस क्वेश्चन का भी, ठीक है. तो इस चैप्टर के इंसर्ट होने से पहले क्या होता था, कॉन्स्पिरेसी जो IPC में थी ओरिजिनली दो तरीके से पनिश्ड थी. कैसे, अगर कोई भी अबेटमेंट कर रहा है, कोई भी अबेटमेंट कर रहा है, अबेटमेंट हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 107 में क्या होता है, अबेटमेंट होता है तीन तरीकों से हम अबेटमेंट करते हैं. कौन से, अगर आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो या फिर आप उसके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो या फिर आप इंटेंशनल एड कर रहे हो, इन तीन तरीकों से होता है आपका अबेटमेंट. तो कॉन्स्पिरेसी किस तरीके से होती थी, दो फॉर्म्स में होती थी. पहले वो क्या थी, या तो अबेटमेंट के फॉर्म में या फिर कोई एक ऐसा सर्टन ऑफेंस करने जा रहे हो आप जहाँ पे आप कोई एक्ट कर रहे हो या फिर कोई इलीगल ओमिशन कर रहे हो, और ये जो भी एक्ट और इलीगल ओमिशन है ये है इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, इन परसुएंस ऑफ द जो खुराफाती माइंड आपके में कोई आइडिया आया है, कोई दिमाग में कुछ आइडिया आया है कि मैं ये ऑफेंस करूंगा अपने फ्रेंड के साथ मिलके, तो वो हो गया आपका कॉन्स्पिरेसी. सो बिफोर द इंसर्शन ऑफ 5A चैप्टर IPC में इस तरीके से आपको कॉन्स्पिरेसी मिलती थी, एक बाय वे ऑफ अबेटमेंट या फिर दूसरा कि अगर आप कोई भी ऑफेंस करने जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, कोई एक्ट कर रहे हो या फिर इलीगल ओमिशन कर रहे हो, और वो जो एक्ट या इलीगल ओमिशन है वो किसके तरीके से कर रहे हो, इन परसुएंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है. तो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, कोई भी चीज अगर हम उठाते हैं उसकी कुछ हिस्ट्री होती है, तो अगर हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं उसकी हिस्ट्री क्या है, तो
एक केस था पोल्टर्स केस 1611 में, इसमें क्रिमिनल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी की बात करी गई और पहली बार ये चीज डेवलप करी गई फॉर द फर्स्ट टाइम बाय स्टार चेंबर एंड कॉन्स्पिरेसी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। तो सबसे पहली बार कॉन्स्पिरेसी को कब रिकॉग्नाइज करा गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत रेलिवेंट है कि सबसे पहली बार कौन से केस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के एस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज किया गया या डेवलप किया गया। तो ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस क्या थे कि जो वॉल्टर थे उन्होंने क्या किया, अलोंग विद अदर डिफेंडेंट्स उन्होंने एक फॉल्स चार्ज लगाया ऑफ रॉबरी ऑन स्टोन। तो स्टोन के ऊपर चार्ज लगाया कि रॉबरी करी है उन्होंने एंड ही डिड एवरीथिंग पॉसिबल टू रुइन हिज फैमिलीज रेपुटेशन। ठीक है, अब र्यूमर्स वर स्प्रेड दैट स्टोन वाज अ जेंटलमैन थीफ एंड अ नेम। तो पूरी की पूरी जगह पे उन्होंने अपनी जो भी लोकेलिटी थी वहां पे उन्होंने स्टोन के अगेंस्ट र्यूमर्स फैला दिए। However, Stone had an alibi. So, alibi का क्या मतलब होता है? Plea of alibi का मतलब होता है, ये भी लॉ में बहुत रेलिवेंट है। अगर अब आप जैसे क्लैट स्टूडेंट हैं और आपको लग रहा है ये सेशन आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, तो आई वुड वांट टू टेल यू व्हाई इज इट रेलिवेंट फॉर यू, बिकॉज अ प्ली ऑफ alibi, जब आपके क्लैट के पेपर में पैसेजेस आएंगे, पैसेजेस में आपको लॉ तो दिया होगा बट जब उस लॉ की एप्लीकेशन को यूज करते हुए आप क्वेश्चंस का आंसर दोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि alibi का क्या मतलब होता है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है। तो alibi का मतलब होता है, अगर मैं बोल रही हूँ कि ए ने कोई ऑफेंस करा है इसने डिफेंस कॉलोनी में, बट ए के पास एक प्रूफ है कि उस दिन ए वॉज इन एमपी, ही वॉज नॉट इन दिल्ली, दिल्ली में है डिफेंस कॉलोनी, तो वो ए था ही नहीं। तो बेसिकली उसके पास alibi का अपना प्रूफ है कि वो कहीं और था, समवेयर एल्स alibi का मतलब होता है। ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है समवेयर एल्स। तो बेसिकली जब ए ये बोल देता है कि जी मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में उस टाइम पे था ही नहीं, तो मैं वो ऑफेंस कैसे कर दूंगा, और वो अपनी एयर टिकट दिखा देता है, सो ही हैज अ प्रूफ ऑफ एन alibi। सो सिमिलरली स्टोन के पास alibi था एंड ही एंड ब्रॉट सम 30 पीपल टू अटेस्ट एंड दैट ही वॉज इन लंडन ऑन द डे द एलिजिड रॉबरी टुक प्लेस। तो जब वॉल्टर ने स्टोन के ऊपर इम्प्यूटेशन लगाई, फॉल्स चार्ज लगाया ऑफ रॉबरी, तो उस दिन स्टोन के पास ये प्रूफ था कि उस दिन वो लंदन में थे और वो 30 लोगों को ले आए अपने इस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए एज अ विटनेस। द ज्यूरी फाउंड एन इग्नोरमेंस एंड स्टोन वॉज डिस्चार्ज एंड उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा। देयर आफ्टर स्टोन ब्रॉट एन एक्शन बिफोर द स्टार चेंबर टू क्लियर हिमसेल्फ ऑफ द इम्प्यूटेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम एंड विंडिकेट हिज रेपुटेशन। तो ऑब्वियसली बिकॉज उसकी रेपुटेशन पे इफेक्ट आ गया था, तो उसने उसके बाद एक केस फाइल किया टू क्लियर हिज चार्ज एंड टू क्लियर ऑल द इम्प्यूटेशंस जो उनके ऊपर लगी थी। Defendants attempted to settle the matter out of the court and also tried to persuade Stone to drop the suit. However, when the process started, the defendants accused Stone of bartering and also intimated some of his witnesses. The court held that mere presence of conspiracy among the defendants, irrespective of whether Stone was falsely indicted or acquitted, is the gist of the offense and can be considered as a crime. So basically, ki agar jo defendants hain, agar aap ye prove kar pa rahe ho ki there was a mere presence of कॉन्स्पिरेसी और उसके बाद स्टोन अगर फॉल्सली स्टोन वॉज फॉल्सली इंडिकेटेड और acquitted, तो स्टोन अगर उसके बाद acquit भी हो जाता है, स्टिल इट इज अ जिस्ट ऑफ ऑफेंस एंड इसको आप क्राइम मानोगे। ठीक है, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द केस ऑफ मल्की वर्सेज आर 1868 में ये बोला कि अ कॉन्स्पिरेसी कंसिस्ट नॉट मेरली इन द इंटेंशन ऑफ टू और मोर पर्सन बट इन द अग्रीमेंट ऑफ टू और मोर टू डू एन अनलॉफुल एक्ट बाय अनलॉफुल मींस। तो क्या समझने की बात है कि सिर्फ मेंजरिया होना अपने आप में नॉट सफिशियंट, मेंजरिया होना अपने आप में इज नॉट सफिशियंट, क्या जरूरी है? सबसे पहला एसेंशियल अग्रीमेंट है कि वहां पे अग्रीमेंट होना, इस मेंजरिया के साथ आपका अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिल्टी होल्ड करना चाहते हो, आपका अग्रीमेंट होना विद द गिल्टी माइंड कि आप कोई एक अनलॉफुल एक्ट करने वाले हो या फिर कोई अनलॉफुल मीन से करने वाले हो, वो बहुत जरूरी है। सो लॉन्ग एज सच अ डिजाइन रेस्ट इन इंटेंशन ओनली इट इज नॉट इंडिक्टिव। तो बेसिकली अगर वो सिर्फ एक खुराफाती आइडिया आपके दिमाग में है बट उसके बाद आपने अपने फ्रेंड के साथ अग्रीमेंट नहीं किया, देन यू विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। दस टू और मोर पर्सन मस्ट वर्ड यूज है तो मैंडेटरी है,
agree to carry it into effect, and the very plot is in an act in itself punishable for a criminal object or the use of criminal means. तो क्या समझने की बात है कि सबसे पहली बात ये है कि सिर्फ दिमाग में आइडिया आया तो आप गिल्टी नहीं होगे, एक अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है. दो या दो से ज्यादा लोग अग्रीमेंट करते हैं विद अ गिल्टी माइंड टू डू सम इलीगल एक्ट या फिर बाय इलीगल मींस, ओनली देन यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. बट अगर सिर्फ दिमाग में आइडिया है बट अग्रीमेंट नहीं हुआ है देन इट विल नॉट बी द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. अब बात करते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन क्या है सेक्शन 120A के हिसाब से. तो जब हम 120A पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें लिखा हुआ है टू और मोर पर्सन. तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए और वो क्या करने चाहिए, दे शुड अग्री टू डू और कॉज टू बी डन. या तो वो खुद से करेंगे या फिर वो किसी और से कराएंगे. क्या कराएंगे, कोई इलीगल एक्ट कराएंगे या फिर कोई इलीगल मीन्स से कराएंगे, इलीगल तरीके से कराएंगे. तो क्या समझने की बात है, दो या दो से ज्यादा लोग अग्री करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं कि वो कुछ काम करेंगे या फिर किसी और से कराएंगे. क्या कराएंगे, इलीगल एक्ट कराएंगे या फिर इलीगल तरीके से कराएंगे. इसका प्रोविजो ये कहता है, नो अग्रीमेंट एक्सेप्ट एन अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द अग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज हु सच एन अग्रीमेंट. तो बेसिकली जब आप अग्रीमेंट करते हो टू कमिट एन ऑफेंस, वो अपने आप में ही एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है. बट अगर उसके अलावा कुछ भी कर रहे हो तो वहां पे एक्ट होना बहुत जरूरी है. तो बेसिकली अगर आप एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो टू कमिट एन ऑफेंस, दिस इज पनिशेबल. बट अगर इसके अलावा कुछ भी कर रहे हो तो उसके लिए आपको कोई एक्ट करना जरूरी है इन फर्दरेंस ऑफ योर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. अब बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या कहती है. एक्सप्लेनेशन कहती है, इट इज इमटीरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच अग्रीमेंट और इज मेयरली एन इंसिडेंटल टू दैट. तो अगर आप इलीगल एक्ट कर रहे हो, चाहे वो इलीगल एक्ट आपका मेन ऑब्जेक्ट था या फिर इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट था, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप अग्रीमेंट कर रहे हो, टू और मोर पर्संस अग्रीमेंट करते हैं टू डू इलीगल एक्ट या फिर इलीगल तरीके से और मींस, तो वो अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन जाएगा. ये चैप्टर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था इनटू द क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया अ न्यू ऑफेंस, बिकॉज इसमें उनको लग रहा था कि बहुत सारे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केसेस आ रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर को ऐड किया गया. और कैसे ऐड किया गया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1913 के द्वारा चैप्टर नंबर 5A को ऐड किया गया था, बिकॉज दे फाउंड दैट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू पनिश पीपल हु वर डूइंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दैट इज व्हाई अ स्पेसिफिक डेडिकेटेड चैप्टर वाज मेड. अब बात करते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है. जब मैं आपको आईपीसी पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि मोटे मोटे सेक्शंस को क्रिस्प फॉर्म में अपने टिप्स पे रखना है. तो दो टिप्स पे आपको पॉइंट्स रखने हैं कि सबसे पहला, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट. अब मस्ट लिखा हुआ है तो मैं आपको बता रही हूँ इसका मतलब है मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी नहीं है, तो होना ही होना है. एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, सबसे पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है. किसके बीच में, टू और मोर पर्संस के बीच में. और ये जो अग्रीमेंट हो रहा है ये किस चीज के लिए हो रहा है, कोई इलीगल एक्ट करने के लिए हो रहा है या फिर कोई एक्ट करने के लिए बट बाय इलीगल मींस, कोई एक्ट जो आप किससे कर रहे हो, बाय इलीगल मींस कर रहे हो. तो ये दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं आपके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के. टू constitute the offense of conspiracy, there must be an agreement of two or more persons. अपने आप में एक बंदे को हम criminal conspiracy के लिए convict नहीं कर सकते हैं. One cannot conspire with oneself. Because, क्यों कहते हैं? अब A and B ने agreement किया कि वो क्या करेंगे? Bank लूटेंगे. Bank लूटने का तो ये अब illegal act है, ठीक है? अब यहाँ पे A अपने आप में अग्रीमेंट तो नहीं कर सकता. अग्रीमेंट के लिए दो लोगों का होना जरूरी है. अग्रीमेंट के लिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन अग्रीमेंट टू बी दैट देयर शुड बी टू और मोर पर्संस. अगर आप इसको रिलेट करते हो अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले ऑफर होता है,
फिर क्या होता है, एक्सेप्टेंस होता है। ऑफर और एक्सेप्टेंस को जब हम प्लस कर देते हैं तो बनता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस जब कंसिडरेशन के साथ होता है, प्रॉमिस जब कंसिडरेशन के साथ होता है तो बन जाता है अग्रीमेंट। तो क्या जरूरी है, ये जरूरी है कि अगर आप कोई भी चीज का अग्रीमेंट कर रहे हो उसमें दो या दो से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है, सिंगल बंदा नहीं कर सकता। तो बात करते हैं कि सेक्शन 128 का जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। हम उसको ब्रेक करेंगे कि अग्रीमेंट हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा है दो या दो से ज्यादा लोगों का, टू और मोर पर्संस का मीटिंग ऑफ माइंड हो रहा है। एंड क्या करने के लिए हो रहा है, टू डू सम एक्ट या फिर किसी और से कराने के लिए। कैसे कराओगे आप, किसी और से, अबेटमेंट के थ्रू आप किसी से कराओगे, उसको इंस्टिगेट करके कराओगे, या फिर उसको प्रोवोक करोगे, या फिर आप क्या करोगे, कॉन्स्पिरेसी करोगे उसके साथ, या फिर आप उसको हेल्प करोगे। टू डू एन एक्ट विच इज इलीगल एक्ट, या फिर कोई ऐसा एक्ट जो एक्ट इलीगल नहीं है बट आपका तरीका इलीगल है, बाय इलीगल मींस। ओके स्टूडेंट्स, तो इलीगल एक्ट की जब हम बात करते हैं, जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग्स ऑफ दिस कोड पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि इलीगल एक्ट क्या होता है। इलीगल एक्ट सेक्शन 43 में दिया हुआ है, इसीलिए जब भी मैं आपको आईपीसी पढ़ाती हूँ मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप किसी भी लॉ को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हो, आपको इंटरलिंकेजेस और इंट्रालिंकेजेस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये इंटरलिंकेजेस जो है कि 43 में लिखा हुआ है, इलीगल एक्ट क्या है, क्या होता है इलीगल एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट जो आप क्या कर रहे हो, कोई ऑफेंस कर रहे हो या कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जो प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, या फिर फॉरबिडन है बाय लॉ, या फिर आप कोई एक ऐसा एक्ट कर रहे हो जो राइज दे रहा है कॉज ऑफ एक्शन को, COA is कॉज ऑफ एक्शन को फॉर अ सिविल सूट, तो वो बन जाता है आपका इलीगल एक्ट। और सेकेंड पॉइंट क्या है, जो एक्ट है वो इलीगल नहीं है बट आप किसी इलीगल तरीके से कर रहे हो, जो आपका तरीका है, जो मींस है, वो इलीगल है अपने आप में, तो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आ जाएगा। तो इंडिविजुअल की जो इंटेंशन है वो कॉमन इंटेंशन कब बनती है, जब हम बोल रहे हैं कि टू और मोर पर्संस इज इम्पोर्टेंट, तो क्या होता है, जो ये इंडिविजुअल की इंटेंशन है, ये दो इंडिविजुअल्स हैं आपके सामने ए और बी, इन दोनों का जब मेंजरिया बन जाता है और ये अग्री करते हैं टू डू अ सेम एक्ट, टू डू अ सिमिलर एक्ट, या फिर कॉमन इंटेंशन बोल सकते हो आप, तो आप क्या बोलोगे कि इनका मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गया, इनका मीटिंग ऑफ माइंड्स हो गया। या फिर एक लैटिन टर्म भी है, एक मैक्सिम भी है, कंसेंसस एड इडम। बेसिकली consensus ad idem का क्या मतलब है, they are consenting on the same thing in the same sense, same thing in the same sense। तो जब एक से ज्यादा लोगों की intention common हो जाती है, उनका meeting of minds हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये common intention form हो गई है by these people and they have agreed, अग्रीमेंट हो गया है इनके बीच में, विच इज वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो अब बात करते हैं कि कॉमन इंटेंशन सेक्शन 120A में और कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 में, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो कॉमन इंटेंशन जब हमने सेक्शन 34 में पढ़ा था तो आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि ए और बी का कॉमन इंटेंशन है टू डू अ बैंक लूट, तो इनका कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ एक्शन होना जरूरी है, बेसिकली एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है अंडर सेक्शन 34। बट जब हम बात करते हैं 120A की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन अपने आप में एक जरूरी एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स ही अपने आप में एक सफिशियंट पॉइंट है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन ना भी हो तब भी चलेगा। बट जब हम सेक्शन 34 की बात करते हैं तो मीटिंग ऑफ माइंड्स अपने आप में एक सफिशिएंट पॉइंट नहीं है, मीटिंग ऑफ माइंड्स प्लस एक्टिव पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट अंडर सेक्शन 34। ओके, जब हम बात करते हैं सेक्शन 34 की, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था ये इंडिपेंडेंट सेक्शन नहीं है, ये एक रूल ऑफ एविडेंस है, और इसको हमेशा हम रेड विथ किसी और सेक्शन करते हैं।
तो जैसे मैंने अगर सेक्शन 302 मर्डर का चार्ज लगाया कि ए और बी ने साथ में मिलके मर्डर किया है और हमने बोला इनकी कॉमन इंटेंशन थी, तो हम क्या लिखेंगे, सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34। बट जब हम 120A की बात करते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, तो 120A अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी के ऊपर आप 120A का चार्ज लगा सकते हो, जिसकी पनिशमेंट कहाँ दी है, 120B में पनिशमेंट दी हुई है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कॉमन इंटेंशन की 34 के अंदर, तो आप क्या बोल रहे हो कि इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ टू डू सर्टन इलीगल एक्ट, और जो 34 है वो एक रूल ऑफ एविडेंस है, या फिर आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की बात है, बट इस प्रोविजन को आपको दूसरे प्रोविजन के साथ ही पढ़ना होता है, इंडिपेंडेंटली आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज देखें कि जब हम अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा कि अग्रीमेंट कर रहे हैं टू डू एन ऑफेंस, या फिर कोई ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, या फिर कुछ ऐसा कर रहा है विच इज गिविंग राइज टू अ सिविल सूट, which is giving rise to a civil suit, एक cause of action को rise दे रहा है, एक cause of action को rise दे रहा है। तो mere agreement amounts to criminal conspiracy जब हम offence की बात करते हैं, but जब हम कोई भी ऐसा act बात कर रहे हैं which is prohibited by law, या फिर जो civil suit को rise दे रहा है, उसमें mere agreement अपने आप में एक sufficient point नहीं है, और आपको क्या करना जरूरी है, कोई overt act करना जरूरी है, कोई overt act करना बहुत जरूरी है when you have to prove that। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान देना है और समझना है वो ये है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी हम कर रहे हैं, ये जो कॉन्स्पिरेसी दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो रही है, उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि ए बी सी और डी ने मिलके करी कोई कॉन्स्पिरेसी, तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने एक अग्रीमेंट किया जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि ये कोई इलीगल एक्ट करेंगे, या फिर क्या करेंगे, कोई एक्ट करेंगे बट बाय इलीगल मींस करेंगे। तो हम बोलते हैं कि हम इन सबको लाइबल ठहराते हैं अंडर आईपीसी, हम इन सबको लाइबल ठहराते हैं अंडर द इंडियन पीनल कोड। तो जब आपको ये चीज करनी है, ए बी सी डी सबको लाइबल ठहराना है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि ए बी सी डी इन सबको नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ये क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली नॉलेज होना ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, उस कॉन्स्पिरेसी को करके वो क्या हासिल करने वाले हैं, इसकी नॉलेज होना उनको बहुत जरूरी है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट पॉइंट हो जाता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, बैंक रॉबरी करने जाते हैं ए बी सी डी, ऑल हैव द रिस्पेक्टिव गोल्स, तो उनका सबका एक गोल है और उन सबको नॉलेज है इस चीज की, तो उन सबको हम लाइबल ठहराएंगे। बट एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे ए बी सी गए रॉबरी करने, उनके रिस्पेक्टिव गोल था कि वो बैंक लूटना चाहते हैं, बैंक की रॉबरी करना चाहते हैं, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टैक्सी हायर करी और जिसमें जो ड्राइवर थे वो डी थे। डी को कुछ आइडिया नहीं था, उसको कोई नॉलेज नहीं थी कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, या फिर अगर उसको पता भी था कि ये लोग बैंक जा रहे हैं, तो उसको नहीं पता था कि ये लोग बैंक लूटने जा रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे कि डी विल नॉट बी हेल्ड लायबल एज हैड नो नॉलेज। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आप किसी को भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल ठहरा रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, जब हम ये बात बोलते हैं कि कॉन्स्पिरेसी एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, और ये स्टेटमेंट बहुत बार पेपर में भी आ चुकी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि जिस दिन से आपकी प्लानिंग शुरू हुई, जिस दिन से ये टू और मोर पर्सन मिले और इन्होंने अग्रीमेंट करा, क्या अग्रीमेंट, टू लूटोफाई अ बैंक, लूटना है एक बैंक, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने क्या करना शुरू करा, प्लानिंग करनी शुरू करी, और प्लानिंग में इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ जी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब जाएंगे एक इनोवा में भर के जाएंगे, ये वाला बैग लेके जाएंगे, अमेरिकन टूरिस्टर का बैग ले लेंगे, उसके अंदर तू गोल्ड डाल लियो, मैं कैश ले लूंगा, बैंक मैनेजर के सिर पे कोई और पिस्टल रख लेगा, जो एक बंदा घर पे बैठा हुआ है वो क्या करेगा, वो जो है वो साइबर क्राइम कमिट करेगा, और जो ये बैंक है उसका जो पासवर्ड्स है उनको हैक करेगा। एक बंदा है वो बाहर बैठा होगा गाड़ी पे, और वो रेडी रहेगा कि गाड़ी को जैसे ही हम लोग आए वो गाड़ी चला के हम लोग भाग जाएंगे, और एक बंदा क्या कर रहा होगा, एक बंदा जो सामने पुलिस चौकी है उसके ऊपर नजर रखे होएगा, ठीक है। तो ये सारी जो प्लानिंग चल रही है, तो ये जिस दिन से प्लानिंग करनी शुरू करी,
और उसके बाद ये प्लानिंग करते 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 क्या हुआ, इन्होंने एक गन प्रोक्योर करी, अमेरिकन टूरिस्टर का बैग लिया, इनोवा गाड़ी ली, ये सब कुछ जो इन्होंने किया टिल द लास्ट डे ऑफ एग्जीक्यूशन, जिस दिन इन्होंने बैंक लूटा, उस दिन तक आप बोलोगे कि आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो जब आप ये बोल रहे हो कि फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक, लास्ट डे कौन सा हुआ आपका, एग्जीक्यूशन वाला दिन तक आपकी प्लानिंग चल रही है, और जो जो आप प्लानिंग कर रहे हो, जितने जितने लोग इन्वॉल्व हो ही जा रहे हैं, वो सारे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर लायबल हैं, तो हम क्या कहेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन आप बोल सकते हो, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही है, और उन सब ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे, ये सारी ट्रांजैक्शन क्यों हो रही है, इन फर्दरेंस ऑफ योर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो भी आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के टाइम पे एक जो गोल बनाया है, इन फर्दरेंस ऑफ दैट थिंग आपकी ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इसलिए जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस होता है वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, और सारे लोग जो उसके मेंबर्स हैं, ऑल द मेंबर्स शैल बी हेल्ड लाइबल फॉर द ऑफेंसेस डन। ओके, अब आपको जो ध्यान में रखने वाली चीज है वो ये है कि म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की और हम बोल रहे हैं कि ये सारे मेंबर्स लायबल होंगे, ये सारे मेंबर्स लायबल होंगे उन सारी ट्रांजैक्शंस के लिए, तो एक चीज समझना ये जरूरी है कि ये सारे मेंबर्स, जैसे कि हो गए आपके ए बी सी डी ई, हम बोल रहे हैं ऑल आर लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब ए ने क्या करा, ए ने पिस्टल प्रोक्योर करी, बी ने अमेरिकन टूरिस्टर का बैग प्रोक्योर किया, डी ने इनोवा गाड़ी को रेंट पे लिया, और ई ने प्लानिंग करी कि वो कैसे साइबर क्राइम करेगा और बैंक का जो पासवर्ड है उसको हैक करेगा, जिससे कि ये लोग एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर सकें और उस बैंक लॉकर को खोल के वहां से गोल्ड और जो पैसे हैं वो चोरी कर सके। तो ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हो रही है, एक चीज तो हमने बोल दी कि जिस दिन से प्लानिंग शुरू हुई, जिस दिन से इनका अग्रीमेंट हुआ, उस दिन से लेके आखिरी दिन तक जब एग्जीक्यूशन हो रही है, ये तब सब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आ जाएगा और ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। तो अब ये चीज समझने की भी जरूरत है कि जो ये अलग अलग एक्ट कर रहे हैं सब, ये ए बी सी डी जो अलग अलग एक्ट कर रहे हैं, दे आर ऑल म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ ईच अदर, और वो जॉइंटली और म्यूचुअली लायबल है एक दूसरे के एक्ट के लिए। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ए ने पिस्टल प्रोक्योर करी इलीगल तरीके से, तो आपके बी सी डी विल ऑल्सो बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। सिमिलरली जब ये भाग रहे थे तो डी ने क्या किया, डी ने रास्ते में एक पुलिस कांस्टेबल आया तो डी ने क्या किया, उसको शूट कर दिया, शूट पीओ, तो ऑल शैल बी हेल्ड लायबल बिकॉज दे वर ऑल डूइंग whatever they were doing in furtherance of their common intention towards the criminal conspiracy, so they all are liable and they are all called the mutual agents of each other, kyunki jo bhi inka act hai wo common object ki taraf hai, wo common jo bhi inka goal hai uski taraf hai, so they are also called, every member of the conspiracy is also called a mutual agent of each other, aur ye jointly or mutually liable honge. To ye ek aur important point hai aapke paper ke point of view se ki criminal conspiracy ke time pe jitne bhi members hain wo sare सारे क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट्स हैं और सारे के सारे एक दूसरे के एक्ट्स के लिए लायबल होंगे, ठीक है। अब आपको एक और चीज रखनी है ध्यान में, जब मैंने आपको इनकोएट ऑफेंसेस का एक सेपरेट लेक्चर लेके पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इनकोएट ऑफेंस होता है इनकम्प्लीट ऑफेंस, इनकम्प्लीट ऑफेंस होता है कि एक्चुअली में ये कंप्लीट नहीं भी हुआ फिर भी हमने बोल दिया कि ये एक ऑफेंस है अपने आप में। और तब मैंने आपको बताया था कि इनकोएट ऑफेंस के अंदर तीन ऑफेंसेस आते हैं, जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट और क्रिमिनल अटेम्प्ट। तो ये तीनों के तीनों इनकम्प्लीट ऑफेंसेस हैं और ये इनकोएट ऑफेंसेस के अंदर आते हैं। तो वहां पे उस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में इनकोएट ऑफेंसेस बताए थे और उनके केस लॉज भी कराए थे, बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर डीलिंग विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चैप्टर नंबर 5A ऐड किया गया है 1913 के अमेंडमेंट के द्वारा आईपीसी में, और वो भी एक इनकोएट ऑफेंस है, यानी कि वो भी एक इनकम्प्लीट ऑफेंस है, या फिर आप क्या कह सकते हो, प्रिलिमिनरी ऑफेंस और एंटिसिपेटरी ऑफेंस भी कहा जाता है इसको। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको अपने दिमाग में याद रखना है जब आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ रहे हैं।
अब डील करते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी की पनिशमेंट कहाँ दी हुई है। सेक्शन 120A तो बात करता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी क्या हो गई। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी अगर लोगों ने करी है तो हम उनको पनिश कैसे करेंगे, वो बताता है 120B। तो 120B क्या बताता है कि अगर कोई भी ऑफेंस हो रहा है जो कि पनिशेबल है विद डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट जो कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा की है, तो आपको पनिशमेंट कैसे मिलेगी। आपको पनिशमेंट मिलेगी एज इफ यू वर द अबेटर, एज इफ यू वर द अबेटर। और अबेटमेंट के लेक्चर्स में हम डील कर चुके हैं कि कैसे कैसे पनिशमेंट्स मिलती है। ठीक है, तो क्लॉज 1 और 120B ये कहता है। अब देखते हैं क्लॉज 2 क्या कहता है। क्लॉज 2 कहता है कि अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हो विच इज पनिशेबल विद 2 ईयर्स और मोर सिंपल इंप्रिजनमेंट। पिछले वाले क्लॉज में क्या था, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना है सिंपल इंप्रिजनमेंट और लेस देन 2 ईयर्स, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस करते हो या कोई ऐसा एक्ट करते हो विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या फिर क्या करता है वो गिव्स राइज टू अ कॉज ऑफ एक्शन या फिर सिविल सूट आप कह सकते हो, तो आपकी पनिशमेंट होगी 6 महीने या फिर फाइन। और इस चीज के लिए आपको सैंक्शन लेनी पड़ती है। सैंक्शन कहाँ से लोगे, अंडर सेक्शन 196 सब क्लॉज 2 ऑफ द CRPC फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक और एग्जाम्पल है जहाँ पे हम इंट्रा लिंकेजेस देखने की जरूरत है कि हम IPC को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं। जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं तो IPC को पढ़ते समय हमें CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को भी ध्यान से देखना है। तो जब 120B के अंदर सब क्लॉज 2 के अंदर अगर आप पनिशमेंट देखते हो तो पनिशमेंट है 6 महीने प्लस फाइन, बट उसकी आपको क्या देनी होती है, सैंक्शन लेनी होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। और जो कहाँ पर दिया हुआ है, सेक्शन 196 सब क्लॉज 2 ऑफ द CRPC ये बात कहता है। तो ये सेक्शन रेड विद होगा सेक्शन 196 सब क्लॉज 2। अब कुछ जजमेंट्स करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर और हम क्या देखेंगे कि इन जजमेंट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या फिर बाकी कोर्ट्स ने क्या लॉ सेट किया है, क्या प्रेसिडेंट सेट करें। तो पहला केस जो हम डील करने वाले हैं वो है ईशर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ AP, 2004 सुप्रीम कोर्ट का केस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। और इस केस में क्या बोला गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि जो पॉलिसी है हमारी, जो पॉलिसी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, या फिर आप क्यों किसी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, या फिर आप क्यों किसी को इनकोएट ऑफेंस के लिए पनिश कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप एक स्टेप आगे जा रहे हो, आप एक स्टेप आगे जा रहे हो और उस इंसान को एक्चुअली में वो ऑफेंस को अकम्प्लिश करने से पहले ही, जिससे कि आप लार्जर जो रॉन्ग हो सकता था उसको रोकने के लिए आप उस पर्सन को पनिश कर रहे हो। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था निप इट इन द बड एक फ्रेज है, इसको ध्यान रखो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इवन इफ अकम्प्लिश नहीं भी कही गई, अकम्प्लिश नहीं भी की गई, वो इनकम्प्लीट है, तब भी आप उसके लिए पनिश कर रहे हो क्योंकि आपकी पॉलिसी क्या है। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि पॉलिसी ये है कि आप एक लार्जर रॉन्ग को होने से रोक रहे हो और इसीलिए आप उसको बहुत ही इनिशियल स्टेज पे भी, अगर आपको पता चलता है कि उन्होंने एक अग्रीमेंट किया है टू डू एन इलीगल एक्ट और टू डू इट बाय एन इलीगल मीन्स, तो आप उनको पनिश कर दोगे। ठीक है, दूसरा केस जो हम करने वाले हैं वो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स वर्सेस सोमनाथ थापा एंड अदर्स 1996 सुप्रीम कोर्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केस। और आपको क्या देखना है, ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है और इसमें जो जिस्ट था वो ये बोला गया कि नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है अगर आप किसी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर पनिश करते हो। जो चीज मैंने आपको बताई कि अगर ABCD जा रहे हैं और डी को कोई नॉलेज नहीं है कि ABC एक्चुअली में बैंक लूटने जा रहे हैं, तो आप डी को लायबल नहीं ठहराओगे, बट अगर उसको नॉलेज थी तो इवन इफ वो कुछ एक्ट नहीं करता, इवन इफ वो सिर्फ वहां पे गाड़ी में वेट कर रहा है गाड़ी को स्टार्ट करके कि ये लोग कब आएंगे और हम कब साथ में भागेंगे, तो भी ये लायबल होगा अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो क्या जरूरी है, नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बहुत ही जरूरी है, बहुत ही रेलेवेंट है जब आप किसी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिश करेंगे। अब एक नेक्स्ट केस बात करते हैं, प्रवीण वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 सुप्रीम कोर्ट, ये रेलेवेंट है और ये एक रीसेंट केस लॉ है आपका स्टूडेंट्स, तो रीसेंट केस लॉज के अंडर भी आपको ध्यान रखना है। केस लॉज में हम देखते हैं कुछ होते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स जो पुरानी होती हैं बट वो लॉ सेट कर रही है, प्रेसिडेंट्स की तरह एक्ट करती हैं और उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, बट कुछ होते हैं हमारे रीसेंट केस लॉज। ठीक है, तो इन रीसेंट केस लॉज को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें
ये पेपर में भी आपसे पूछे जाते हैं, और आप कैसे देखते हो कि जो हमारा लॉ ऑलरेडी सेट है, जो हमारा लॉ ऑलरेडी सेट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर बाकी कोर्ट्स उनको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के केसेस में, और कैसे कैसे एडवोकेट्स अपनी आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, कैसे जो जज साहब होते हैं वो अपना जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज करते हैं इन सेक्शंस पे, ठीक है। तो ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे इस केस में कि चार अक्यूज थे जिनको एस्कॉर्ट किया जा रहा था बाय द पुलिस फ्रॉम द सेंट्रल जेल जयपुर, और ट्रेन से वो लोग जा रहे थे जिससे कि उनको सीजेएम भिवानी के सामने पेश किया जाए। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचे नांगल पठानी के, तो ये जो चार बॉयज थे ये लोग कंपार्टमेंट के अंदर घुसे और इन्होंने क्या किया, दे अटैक द पुलिस पार्टी एंड दे ट्राइड टू रेस्क्यू द अक्यूज्ड। तो जो अक्यूज्ड को उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश करी, जो अक्यूज्ड थे हु वाज ऑलरेडी इन कस्टडी उसने भी क्या करने की कोशिश करी, उसने भी भागने की कोशिश करी, एंड एन अटेम्प्ट वॉज ऑल्सो मेड टू स्नैच द ऑफिशियल कैरबिन, उसको भी खींचने की कोशिश की गई। ये भी एलिज किया गया कि एक जो अक्यूज था ही फायर्ड अपॉन द हेड कांस्टेबल जिनको इंजरी भी हुई और लेटर ही डाइड बिकॉज ऑफ दीज इंजरीज। तीन अक्यूज भाग गए और एक को उन्होंने कस्टडी में ले लिया। तो उस अक्यूज को इन्होंने चार्ज किया अंडर सेक्शन 224, 225, 332, 353, 392, 307, 302, और जो इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट सेक्शन हमें जो इस लेक्चर के लिए देखना है वो है 120B ऑफ द आईपीसी और कुछ ऑफेंसेस के अंडर अंडर द आर्म्स एक्ट। और अक्यूज्ड को ये बोला गया सेशन कोर्ट ने कि ही वाज हेल्ड गिल्टी। जब बात गई अपील में तो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने उसकी कन्विक्शन को कन्फर्म कर दिया। अब जो ये एपलेंट थे जिनका नाम था प्रवीण अलियास सोनू, उन्होंने एक अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इट इज नॉट सेफ टू होल्ड अ पर्सन गिल्टी फॉर एन ऑफेंस अंडर 120B इन एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस टू शो अ मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि आप उसको 120B के अंडर कैसे गिल्टी ठहरा सकते हो जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है ये दिखाने का कि अग्रीमेंट हुआ था, जो कि हमारा सबसे पहला इसेंशियल इंग्रेडिएंट है सेक्शन 120A का। जब तक आप ये नहीं दिखा पाओगे कि अग्रीमेंट हुआ है कि उनके मीटिंग ऑफ माइंड्स था कॉन्स्पिरेटर्स के बीच में, तब तक आप उसको 120B ऑफ आईपीसी के अंडर गिल्टी नहीं ठहरा पाओगे। ओके, दिस वाज द ओपिनियन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कोर्ट ने ये भी बोला कि इन जो ये अपीलेंट है इसका क्विटल हो जाना चाहिए, और इट इज नॉट सेफ टू मेंटेन द कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड ऑन द एलिजेड कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ को अक्यूज्ड इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर कोरोबरेटिव एविडेंस। तो जो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट आई थी इनके को अक्यूज से, जो इनके साथ के अक्यूज थे उनसे जो भी कन्फेशनल स्टेटमेंट आई थी, बट कोई भी कोरोबरेटिव एविडेंस नहीं था, कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं आ पाया था प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो कि उस चीज को कोरोबरेट कर सके या फिर उस चीज को मिल सके, उस चीज के साथ मिल सके, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में इनका अक्विटल का ऑर्डर करा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस के बारे में, जिसमें हम डील करेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पनिशेबल क्यों ठहराया गया। तो देवेंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज पनिशेबल। तो अगर किसी के दिमाग में रेप करने का दिमाग में ख्याल आता है तो हम उसको पनिशेबल नहीं कहते, हम उसको पनिशेबल नहीं कहते पर से, बट अगर दो लोगों के बीच में एक अग्रीमेंट हो रहा है कि वो कोई ऑफेंस करेंगे तो हम उसको पनिशेबल क्यों कहते हैं, हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पनिशेबल क्यों कहते हैं इवन इफ कोई एक्ट ना भी हुआ हो। उनका ये कहना था, कोर्ट्स का ये कहना था कि जब एक दूसरे के साथ दो लोग मिलके, व्हेन ए एंड बी मिलके कोई अग्रीमेंट करते हैं कोई इलीगल एक्ट करने का, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर एक बंदा घबरा भी जाए तो दूसरा उसको इनकरेजमेंट करता है, आश्वासन उसका बढ़ाता है, उसको याद दिलाता है कि उनका क्या क्या उनका मोटिव था। तो जो इंडिविजुअल का एफर्ट होता या फिर इंडिविजुअल जो डर भी जाता वो वाला चीज नहीं होती, जो इंडिविजुअल के होने से अगर एक्ट शायद हमारा इम्पॉसिबल हो भी जाता वो वाला चांस यहाँ पे नहीं होता जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग हैं और उनका क्या एम होता है, वो एक दूसरे को इनकरेजमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और क्या देते हैं, एक दूसरे को एडिंग करते हैं किसी तरीके से। तो इसलिए ये बोला गया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पनिशेबल करना बहुत जरूरी। अब नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है, वो डील करती है
केहर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात करी गई कि सबसे ज्यादा एसेंशियल इंग्रेडिएंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जब हम बात करते हैं सेक्शन 120A या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, तो क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है? अग्रीमेंट, इन लोगों के बीच में अग्रीमेंट होना कि ये कोई इलीगल एक्ट करें या फिर कैसे करें, कोई इलीगल तरीके से करें। तो जब तक इनके बीच में अग्रीमेंट नहीं होता, आप ये नहीं बोल सकते कि देयर वाज मीटिंग ऑफ माइंड्स। और इसीलिए जब हमने प्रवीण वाला केस भी पढ़ा था, जो 2021 का केस पढ़ा, स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, दो स्लाइड्स पहले मैंने वो केस कराया था, उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर कोई एविडेंस नहीं है ये शो करने का कि अग्रीमेंट हुआ था, मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ था, तो आप उनको लायबल नहीं ठहरा सकते। सिमिलरली यहाँ पे भी यही बोला गया केहर सिंह के केस में, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट मानी जाती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे, कि अगर आप बात करते हो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, तो सबसे इसेंशियल इंग्रेडिएंट उसका होता है अग्रीमेंट होना। सच एन इलीगल एक्ट मे और मे नॉट बी डन इन परसुएंस ऑफ एन अग्रीमेंट, बट पर से अग्रीमेंट होना अपने आप में ऑफेंस है और वो पनिशेबल है। अब बात करते हैं एक 2003 सुप्रीम कोर्ट के केस की, राम नारायण पोपली वर्सेस सीबीआई। और इसमें क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेयर प्रूफ अगर अग्रीमेंट हो रहा है दो लोगों के बीच में टू डू एन अनलॉफुल एक्ट या फिर अनलॉफुल मीन्स, वही अपने आप में सफिशिएंट है कि आप किसी को पनिश कर सकते हो 120B के अंदर। तो मोटी बात अगर आप इस लेक्चर से समझ पा रहे हो, इन केस लॉ से समझ पा रहे हो जो मल्टीपल जजमेंट्स में आपको पढ़ा रही हूँ, उससे मोटी बात यही समझ में आती है कि दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट होना कि वो कोई इलीगल एक्ट करेंगे या फिर किसी इलीगल तरीके से करेंगे, वो बहुत जरूरी है, वो एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। और अगर ये चीज आप प्रूफ कर पाओगे कि देयर वॉज मीटिंग ऑफ माइंड या फिर इन दो लोगों के बीच में क्या था, अग्रीमेंट हुआ था टू डू सम इलीगल एक्ट या फिर बाय इलीगल मीन्स, तो आप इस तरीके से उनको, आप उनको गिल्टी ठहरा पाओगे फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट केस व्हिच वी विल डील टुडे इज लियो रॉय फ्रे वर्सेस सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल, 1958 सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कॉन्स्पिरेसी करने के लिए आपको क्या देखना जरूरी है, कॉन्स्पिरेसी करना इज डिफरेंट फ्रॉम द क्राइम दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। तो बेसिकली ये बोला गया दैट द कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ क्राइम इज अ डिफरेंट ऑफेंस फ्रॉम द क्राइम दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी प्रोसीड करती है फ्रॉम द कमीशन ऑफ क्राइम एंड इज कम्प्लीट बिफोर द क्राइम इज अटेम्प्टेड और कम्प्लीटेड। तो क्राइम होना अपने आप में एक अलग चीज है, बट जैसे ही आपके टू और मोर पर्सन ने अग्रीमेंट किया टू डू इलीगल एक्ट या फिर बाई इलीगल मीन्स, आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आप उसको पनिश कर सकते हो। क्राइम तो बाद में होगा, बट आप उसके लिए भी उसको पनिश कर सकते हो। नेक्स्ट केस विच वी विल डील इज विच इज अगेन अ लैंडमार्क जजमेंट इज भीमदन प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, 1956 सुप्रीम कोर्ट का केस है। और इन्होंने ये बोला कि आप एक सिंगल पर्सन को लायबल नहीं ठहरा सकते हो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, बट देयर मे बी अ सिचुएशन जहां पे आपने एक सिंगल पर्सन को लायबल ठहराया है, जहां पे लायबल ठहराया है, ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस होगा, बट जनरल रूल ये है कि आप एक सिंगल पर्सन को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते हो। टोपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1955 अगेन अ लैंडमार्क जजमेंट Supreme Court of India. In this case, appellant along with three others were charged under the offence of 120B, read with 471 and 420 of the IPC for conspiracy of forged documents. कि उन्होंने कुछ forged documents किए हैं। तो जो trial court थे, उन्होंने acquit कर दिया था इन accused को, but जो high court थे, high court ने in the matter of appeal ये पूरी की पूरी acquittal के order को reverse कर दिया था और convict कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये एक substantive offence as well as criminal conspiracy यहाँ पे हुई है, इसलिए जो trial court का decision था high court ने उसको पूरा का पूरा reverse कर दिया था। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया इन अपील, तो उन्होंने क्या बोला कि इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस दैट वन पर्सन कैन अलोन नेवर बी हेल्ड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फॉर द सिंपल रीजन कि वो आपस में एक सिंगल पर्सन अग्रीमेंट कैसे करेगा। और ये भी बोला गया कि इट वॉज हेल्ड दैट द एप्लिकेंट कुड नॉट बी कन्विक्टेड अंडर 120B व्हेन हिज एलिजेड को कॉन्स्पिरेटर्स वर अक्विटेड। तो बेसिकली अगर आपने उसके को कॉन्स्पिरेटर्स को आपने अक्विटल दे दिया है, तो आप एक सिंगल पर्सन को आप गिल्टी नहीं रख सकते अंडर 120B। और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक सिंगल पर्सन अग्रीमेंट
नहीं कर सकता, कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता, और जब वो ये नहीं कर सकता तो आपका सेक्शन 120A या फिर 120B का जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो कंप्लीट नहीं होता अपने आप में। तो सिंपली ये बोला गया कि आप एक सिंगल पर्सन को गिल्टी नहीं ठहराओगे। जब सारे के सारे कॉन्स्पिरेटर्स को आपने अक्विट कर दिया है तो अक्यूज को अलोन आप गिल्टी नहीं ठहरा सकते क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर, अनलेस इट कैन बी प्रूव दैट ही कंस्पायर्ड टू कमिट एन ऑफेंस नॉट ओनली विद द को अक्यूज बट विद सम थर्ड पर्सन। तो बेसिकली जिन लोगों को आपने अक्विट कर दिया है उनके साथ नहीं, बट कोई और है, कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ उसने कॉन्स्पिरेसी करी थी, या फिर कोई ऐसा है जिसको आपने ट्राई नहीं किया है क्योंकि वो कोई एब्सकॉन्ड कर रहा है, वो भागा हुआ है, भगौड़ा है, या फिर वो माइनर है, तब आप फिर भी इस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में आप इस सिंगल पर्सन को गिल्टी ठहरा सकते हो 120B के अंदर, वरना आप एक सिंगल पर्सन को कॉन्स्पिरेसी के अंदर नहीं ठहरा सकते हो गिल्टी। अब बात करते हैं एक अनदर लैंडमार्क जजमेंट मेजर ई.जी. बर्से वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1962 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इसमें क्या बोला गया कि एन अग्रीमेंट टू ब्रेक द लॉ constitutes the gist of offense of criminal conspiracy। अगर आप कोई भी लॉ को तोड़ने का एक अग्रीमेंट करते हो तो वो भी क्या बन गया, वो भी बन गया प्रोहिबिटेड बाय लॉ या फिर फॉरबिडन बाय लॉ, तो वो अपने आप में एक ऑफेंस बन गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अंडर सेक्शन 120A। अगर पार्टीज जो है वो ऐसा अग्रीमेंट करते हैं कि वो कोई लॉ तोड़ेंगे, वो कोई ऐसा अग्रीमेंट करते हैं कि वो कोई भी ऐसा एक्ट करेंगे जो कि फॉरबिडन है बाय लॉ, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर लाइबल ठहराएंगे, चाहे वो इसके बाद वो एक्ट करें या फिर ना करें। कोर्ट ने ये भी बोला कि इट इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दैट ऑल द पार्टी शुड अग्री टू डू अ सिंगल एक्ट एंड अ कॉन्स्पिरेसी मे कंप्राइज ऑफ सेवरल एक्ट्स। तो एक सिंगल एक्ट की कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, सेवरल एक्ट की कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, तो ये जरूरी नहीं है कि उनके अग्रीमेंट में ये चीज डिसाइड हुई हो। आपको क्या देखना है कि अगर वो कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और फॉरबिडन बाय लॉ, तब भी इवन इफ वो एक्ट ना भी हुआ हो तब भी दे विल बी हेल्ड लाइबल। अब बात करते हैं अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये पढ़ना जरूरी है। तो जब हमने अबेटमेंट का लेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था अबेटमेंट हो सकता है तीन तरीकों से, कौन से, इंस्टिगेशन से या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से या फिर इंटेंशनल एडिंग से। तो जब हमने बात की थी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की तो आपको क्या समझना जरूरी है, जब हम 120A की बात करते हैं, 120A की बात करते हैं तो मेयर अग्रीमेंट करना अपने आप में इनफ है। अगर आप बोल रहे हो कि कोई किसी को आप लायबल ठहराना चाहते हो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंडर, बट अगर आप बात करते हो सेकंड क्लॉज ऑफ 107 मतलब 107 सब क्लॉज 2 की अगर आप बात करते हो, उसके लिए कोई एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन होना भी जरूरी है उस कॉन्स्पिरेसी के तहत, और अपने आप में अग्रीमेंट सफिशिएंट नहीं है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे मैं टेबल फॉर्म में आपके लिए बनाऊं मेयर अग्रीमेंट इज सफिशिएंट, यहाँ पे नॉट सफिशिएंट, सम एक्ट और इलीगल ओमिशन इज नीडेड। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जब हम 107 सब क्लॉज 2 की बात करते हैं, स्पीक्स ओनली टू ऑफेंस इन विच केस सम ओवर्ट एक्ट और इलीगल ओमिशन मस्ट टेक्स प्लेस, बट 120A की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, वन एज सेड अर्लियर कॉन्स्पिरेसी टू डू और कॉज टू बी डन एन ऑफेंस, another is the conspiracy to do a legal act by illegal means, so in the second case that some overt or illegal omission must be done। bahut zaruri hai ki koi illegal act ya fir koi illegal omission hua jana chahiye। थर्ड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो 107 सब क्लॉज 2 अबेटमेंट के अंदर अगर एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन हो रहा है इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी मे बी डन बाय एनी पर्सन अपार्ट फ्रॉम द पर्सन कॉन्स्पायर्ड, बट जब हम बात कर रहे हैं 120A की तो क्या होना चाहिए, जो एक्ट हो रहा है या इलीगल ओमिशन हो रहा है वो बाय पार्टीज टू द अग्रीमेंट होना चाहिए, ना कि कोई अदर पर्सन। तो 107 सब क्लॉज 2 में एनी अदर पर्सन के द्वारा भी अगर हमें कॉन्स्पिरेसी हो रही है या प्रोवोकेशन हो रही है तो चलेगा, बट 120A में बाय पार्टीज टू द अग्रीमेंट ही होना चाहिए। फोर्थ
For example, if X and Y agree to ask Z to commit a breach of contract and in pursuance of this agreement, Y writes a letter to do the same, then it is said to be an overt act. So, matlab basically, it was an act in furtherance of criminal conspiracy. Ye ho gaya aapka overt act. But by somehow knowing about this conspiracy, A, who is not a party to the agreement, asks Z to commit the breach, then it is not said to be a criminal conspiracy, kyunki jo ye banda hai, who is not a party, he was not a party to the criminal conspiracy, to ye hamari criminal conspiracy nahi maan jayegi. Because he is not a party to the agreement and there is no direct connection between his act and the agreement. Agar koi direct connection nahi hai, ye member nahi hai, ye party nahi hai criminal conspiracy ka, to yahan pe hum nahi bolenge ki ye banda bhi liable hoga aur yahan pe ye criminal conspiracy nahi mani jayegi. फोर्थ पॉइंट जब हम देखते हैं तो 107 सब क्लॉज 2 में आपको क्या देखना है कि कॉन्स्पिरेसी कैसे फॉर्म करी गई थी बाय एंगेजमेंट और 120A में आपको क्या देखना है दैट व्हाट वाज फॉर्म्ड फॉर व्हाट दैट इज अग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट और लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस और इलीगल ओमिशन रिक्वायर्ड व्हिच इज पर से पनिशेबल. तो ये देखना बहुत जरूरी है कि 107 सब क्लॉज 2 में आपको ये देखना है कि कॉन्स्पिरेसी कैसे फॉर्म करी गई थी एंगेजमेंट के द्वारा अग्रीमेंट के द्वारा कैसे. बट 120A में आपको क्या देखना है कि व्हाट वाज फॉर्म्ड एंड फॉर व्हाट. तो बेसिकली अगर आपने अग्रीमेंट किया था तो किस चीज के लिए किया था, किसी इलीगल एक्ट के लिए किया था या फिर इलीगल मींस के लिए किया था या फिर किसी इलीगल ओमिशन के लिए किया था, किस चीज के लिए किया था और जो कि पनिशेबल है. इन केस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी ये जरूरी नहीं है कि अबेटर जो है शुड कंसर्न द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट. तो जरूरी नहीं है कि जो अबेटर है वो एक्चुअली में कंसर्न करेगा ऑफेंस विद द अबेटर हु कमिट्स इट, वो साथ में करे जरूरी नहीं है. बट जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं तो टू पर्सन मस्ट कंसर्न द ऑफेंस वेदर इट इज अ सेपरेट कॉन्स्पिरेसी और अ जनरल कॉन्स्पिरेसी, बट वो साथ में करे ये जरूरी है, जबकि 107 सब क्लॉज 2 अबेटमेंट में ये चीज जरूरी नहीं है. अब बात करते हैं कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी गई, कैसे इस चीज का ध्यान रखेंगे और इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें एक जो इंट्रा लिंकेज देखना है वो है सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है जब हम बात करते हैं कि हमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करना है. तो अब हम पढ़ते हैं कि सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एक्चुअली कहता क्या है. सेक्शन 10 ये कहता है कि जहां पे कोई भी ऐसा रीजनेबल ग्राउंड है कि आप बिलीव कर सकें कि दो या दो से ज्यादा लोगों ने कंस्पायर किया है या अग्री करा है, कॉन्स्पिरेसी करी है क्या करने की, कोई भी ऐसा काम करने की जो एक ऑफेंस है या फिर वो एक एक्शनेबल रॉन्ग है अंडर एनी लॉ, तो आप ये बोल सकते हो कि इनके द्वारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी गई है. और ये आप कैसे करोगे, जब आप देखते हो कि कोई ऐसा एक्ट कर रहा है या फिर कुछ ऐसा रिटर्न में है जहां से आप रेफरेंस ले सकते हो उनकी कॉमन इंटेंशन का, उनके मीटिंग ऑफ माइंड्स का, उनके अग्रीमेंट का, तो आप बोलोगे कि ये एक तरीका है जिससे कि आप प्रूव कर सकते हो कि इनके बीच में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी गई. और ये आप कैसे प्रूव करोगे, उनकी स्टेटमेंट्स के द्वारा, उनकी बोली हुई बातों के द्वारा, कुछ लिखा है उसके द्वारा या फिर उनके कंडक्ट के द्वारा. और यही बोलता है हमारा सेक्शन 10. After the time when such intention was first entertained by any of them, तो उनका क्या actions हुए हैं, उन्होंने कैसे कैसे अपना conduct किया है, वो एक बहुत ही relevant factor होता है जब आप prove कर रहे हो कि उनके बीच में conspiracy थी या फिर उन्होंने कोई एक agreement किया था to do an illegal act या फिर कोई ऐसा act by illegal means. तो आपको ये प्रूफ करना जरूरी है और आप इसको इस तरीके से प्रूफ करोगे. और ये किसके द्वारा हुआ जाना चाहिए, उन पार्टी के द्वारा हुआ जाना चाहिए जिन्होंने अग्रीमेंट किया था. कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, जब हम कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, हम कोई पिक्चर देखते हैं या फिर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी इन दोनों ने ना कॉन्स्पिरेसी करी थी कुछ काम करने की. तो जो कॉन्स्पिरेसी होती है वो सीक्रेसी में होती है, वो छुपा के होती है, कंसील करके होती है, तो उसका डायरेक्ट एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल है. ठीक है, अगर ए और बी मिलके कोई खुराफाती आइडिया लेके आ रहे हैं इलीगल एक्ट करने का या फिर इलीगल तरीके से करने का, तो वो कर रहे हैं अपने बंद दरवाजे में, अपने घर के अंदर आइडिया प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सीक्रेसी में कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट एविडेंस होना बहुत मुश्किल है. बट आप कैसे इन्फर कर पाओगे, उनके उनके कंडक्ट के द्वारा, उनकी स्टेटमेंट्स के द्वारा, वो क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं,
एक्ट्स क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली जब डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है तो आप क्या करते हो, आप देखते हो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि सर्कमस्टेंसेस पे कैसे कैसे सामने वाला बंदा एक्ट कर रहा है। इस तरीके से आप प्रूव करते हो कि हाँ जी इनके बीच में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी। तो क्या रेलेवेंट फैक्टर बन जाता है आपका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, बहुत ही रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आपको प्रूव करना होता है कि इनके बीच में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी। तो ओनस किसकी होता है ऊपर प्रूव करने का कि कॉन्स्पिरेसी थी, ओनस होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर प्रूव करने का। या तो वो डायरेक्ट एविडेंस के द्वारा प्रूव करेगी या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के द्वारा प्रूव करेगी कि इन दो लोगों के बीच में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, ठीक है। और सेक्शन 10 हमारा क्या बोलता है, कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसी बोली हुई बात या फिर लिखी हुई बात जो कि कॉन्स्पिरेटर कर रहा है, जो कि वो दो लोग हैं जो जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे उनमें से कोई भी बंदा कर रहा है, इन रेफरेंस टू द कॉमन डिजाइन, इन रेफरेंस टू द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ देयर कॉन्स्पिरेसी, तो आप बोलोगे इस तरीके से, इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से, इन चेन से, इन कनेक्टिंग डॉट्स से हम बोल पाएंगे कि इनके बीच में कॉन्स्पिरेसी थी। अब वही बात दोबारा कि क्या एक सिंगल पर्सन को आप कन्विक्ट कर सकते हो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, तो हमने कुछ जजमेंट्स पढ़ी थी। और जब हम 120A की लैंग्वेज भी पढ़ते हैं तो वो अपने आप में ये बोलते हैं कि एटलीस्ट टू और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड जब आप किसी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कन्विक्ट करोगे या फिर पनिश करोगे। तो एक सिंगल पर्सन को आप गिल्टी नहीं ठहरा सकते हो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। अक्यूज कैन नॉट बी कन्विक्टेड अनलेस देयर इज अ प्रूफ दैट ही हैड कंस्पायर्ड विद द पर्सन और अदर पर्सन देन हिज को अक्यूज, क्योंकि जब तक एक से ज्यादा लोग नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, अग्रीमेंट नहीं बनेगा, तो इसलिए बहुत मुश्किल है। बट अगर इफ ऑल अदर अक्यूज्ड हैव बीन अक्विटेड ऑफ चार्ज ऑफ कॉन्स्पिरेसी अ सिंगल को अक्यूज्ड कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी। बट अगर ऐसे लोग हैं जो कि भागे हुए हैं या फिर अननोन हैं तो हम फिर भी बोल सकते हैं कि एक सिंगल पर्सन को आप कन्विक्ट कर सकते हो फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं ए बी सी डी ई, अगर ये सारे के सारे अक्विट हो गए तो आप ई को लाइबल नहीं ठहराओगे फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ओके। बट अगर आपको ये पता चलता है कि एफ और जी जो है वो भी कॉन्स्पिरेसी के पार्ट थे बट वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, एब्सकॉन्ड कर रहे हैं मतलब भागे हुए हैं, पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है अभी, उनके पीछे लगी हुई है, तो आप क्या करोगे, तो आप ई को लाइबल ठहरा सकते हो अंडर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर इफ माइनर इज अक्विटेड इन केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैन द ओनली रिमेनिंग सिंगल पर्सन बी कन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो ये है वो ये है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आपको अग्रीमेंट करना जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जब हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है या फिर हम आने वाले सीरीज में अपना वो भी पढ़ेंगे, तो आप क्या देखते हो कि माइनर जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट है टू एंटर इन टू एन अग्रीमेंट। और जब वो इनकॉम्पिटेंट है, अगर वो किसी अग्रीमेंट में एंटर कर भी दे जाता है तो वो जो अग्रीमेंट होता है वो वॉइड बन जाता है, और जब वो वॉइड बन जाता है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो चार्ज है वो अपने आप में फेल कर जाता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी अगर अग्रीमेंट करते हैं कोई इलीगल एक्ट करने का और ये जो बी है ये माइनर है, तो आप ए को लाइबल नहीं ठहरा सकते हो अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बट आप किसके लिए ठहरा सकते हो लाइबल, उसको अबेटमेंट के लिए लाइबल ठहरा सकते हो अंडर सेक्शन 107 या फिर जो सब्सिक्वेंट सेक्शंस हैं हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है। और स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इवन सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको प्लीज अच्छे से पढ़ के जाओ कि एक माइनर है और अगर वो अक्विट हो जाता है तो आप उस सिंगल पर्सन को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल नहीं ठहरा सकते। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेशन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे, जहाँ पे हमने पढ़ा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है टू और मोर पर्संस क्या करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं क्या करने का, कोई इलीगल एक्ट करने का या फिर एक्ट करने का बाय इलीगल मींस। हमने ये पढ़ा, हमने पढ़ा सेक्शन 120A जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को बताता है, सेक्शन 120B पढ़ा जो कि पनिशमेंट बताता है, सब क्लॉज 1 कहता है अबेटर की तरह पनिशमेंट होगी, सब क्लॉज 2 क्या कहता है 6 महीने और फाइन, ठीक है ये पनिशमेंट होगी, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि सिंगल पर्सन को आप गिल्टी ठहरा सकते हो या नहीं, जनरल सर्कमस्टेंसेस में नहीं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में जब उसके साथी भगोड़े हैं या फिर भागे हुए हैं या एब्सकॉन्डिंग है तब आप ठहरा सकते हो। अगर माइनर के साथ
कॉन्स्पिरसी हो रही है तब क्या होगा, माइनर के साथ जो अग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है, तो जो कॉन्स्पिरसी का चार्ज है वो फेल कर जाता है. देन वी डेल्ट विद जजमेंट्स, जिसमें हमने लैंडमार्क एज वेल एज रीसेंट केस लॉ पढ़े हैं, ठीक है. देन हमने 107 सब क्लॉज 2 के साथ इसका रिलेशन भी पढ़ा है, हमने 34 और 120A के बीच में डिफरेंस भी पढ़ा है. तो स्टूडेंट्स, ये मेरा सेशन था जिसमें मैंने आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का समझाया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट. चैप्टर नंबर 5A के अंदर है, 1913 की अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ये पूरी चीज़ें मैंने आपको बताई. एंड मेरा एम यही था इस कॉन्सेप्ट या फिर इस लेक्चर के थ्रू कि आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अच्छे से आपका जो बेस है वो तैयार हो जाए, आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो हो जाए. तो आई होप आई हेल्प्ड यू ऑल इन प्रोवाइडिंग यू सम बेसिक नॉलेज अबाउट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. ऑल्सो आप फिजिक्स वाला की ऐप पे जा सकते हैं, PW की ऐप पे जाएं, वहाँ पे लॉ सिलेक्ट करें, वहाँ पे फाउंडेशन बैच सिलेक्ट करें, वहाँ पे जाके आप इन सीरीज को दोबारा देख सकते हैं, इन लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं. क्लास नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए PDF फॉर्म में. आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी कर सकते हैं जो आपके लिए रेलेवेंट होंगे, जो क्विज के तरीके से हैं, तो आप क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमारा एम लॉ वाला पे यही है कि हम आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें और हम आपको क्रिस्प फॉर्म में प्रोवाइड करें, सो दैट आपके लिए हेल्पफुल रहे अपनी तैयारी के टाइम पे. तो आई वुड वॉन्ट टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, एंड जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट. थैंक यू सो मच.